dua. चलो जी, अब सुबह सुबह अम्मी की डांट सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम सो रही हो अभी तक? नहीं अम्मी, मैं सुबह से उठी हूँ, किचन में काम कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि सुबह जल्दी उठने से काम में बरकत होती है और सेहत भी अच्छी रहती है, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। अच्छा अम्मी सॉरी ना, कैसी हैं आप? क्या अम्मी, तुम्हारा भी ना बस कोई हाल नहीं है। और वशर, वो अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं गया? वो ऑफिस चले ही ना जाए, अभी तो आराम से उठेंगे, मजे से बहाना बनाएंगे कि आज लेट हो गया, कल चला जाऊंगा। दुआ बहुत बुरी बात है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अशर अब तुम्हारा क्लास फेलो नहीं है, तुम्हारा शौहर है बेटा, अपने शौहर का थोड़ा सा एहतराम। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हम लोगों की वजह से टेंशन प्लीज ना लिया करें। मेरी तबीयत का क्या है, वो तो आगे पीछे होती रहती है। तो गॉड से कैसी बातें ना करें मुझसे। अच्छा आपने यकीनन आज टाइम पे दवाई नहीं खाई होगी, है ना? दवा मैं टाइम पर ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, तबीयत ठीक होने की बजाय मजीद गिरती जा रही है। बस इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्लीज अपना ख्याल रखें। ठीक है, लेकिन तुम अशर का ख्याल रखा करो। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। के खुदा हाफिज। वाह सही वाह, उड़ती हुई पक्षी भी आप क्या शिकार करते हैं। बाबा साईं आज भी आपका निशाना नहीं छूटता। तैमूर, अब जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, कभी शिकार और दुश्मन पर से नजर मत हटाना, क्योंकि इधर पलक झपकी और शिकार उड़ जाएगा और दुश्मन तुम पर वार कर देगा। लेकिन बाबा तुम लोगों को क्या पता इन बातों का, शहर जाकर चार किताबें पढ़ के बुजदिल हो गए हो, तुमको इन बातों का क्या पता। जी बाबा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तैमूर बेटा, तुम शहर में अशर से मिले थे, कैसा है वो? जी अम्मा साईं, बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। उस बेगैरत को क्या होना है, उन्हें पागल है जो उसकी याद में रोती रहती हो। अशर मेरा बेटा है, मैं उसके लिए क्यों न रो। अम्मा सही, अशर भी गांव आना चाहता, हम सबसे मिलना चाहता, बस अगर बाबा साईं। खबरदार, उसको बोलना कि गोठ में कदम भी नहीं रखे, वरना मैं अपने हाथ से गोली मारूंगा उसे। मेरे बेटे अक्षर ने शहर में शादी की है ना, बड़ी गलती तो नहीं की? मेरा बड़ा बेटा अजर सिकंदर खान भी खानदानी दुश्मनी में मारा गया और मेरा अक्षर भी मुझसे दूर है। मर तो वो हमारे लिए उसी दिन गया था जब उसने शहर जाकर
उस बेवा टीचर की बेटी से शादी की थी, भूल जाओ उसे। यहां सुबहाना बंद करो। कहां पे आ रही है? हेलो, हाँ जल्दी बोलो। नुशी तुम कहां हो? हाँ सॉरी, बस टू मिनट्स। यार प्लीज यार जल्दी आओ। क्या इट्स नॉट लाइक इस वक्त अशर तैयार होगा। अशर का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुआ का प्रॉब्लम है, उसे टाइम पे नहीं उठाती। तो इसमें दुआ की क्या गलती अगर उठ नहीं सकता? एक तो मुझे समझ नहीं आता, तुम हर वक्त अशर के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तो मैं गलत हूँ क्या? अपना प्लीज मूड ना खराब करना, वरना हमारी शादी की सारी शॉपिंग खराब हो जाएगी। और मैं अशर को कॉल कर रहा हूँ कि वो दुआ को लेके मॉल पहुंचे। अशर के बाय। इंतजार भी मैं करूँ, शॉपिंग पे भी मैं लेके जाऊँ, इन सबकी प्रॉब्लम्स ही मैं इसमें। गुड मॉर्निंग अशर, मैंने कैपेचिनो बनाई, उठ जाओ ना। अब उठ जाओ ना, उठो अशर, उठो, दो बज गए। ना तंग करो, सोने तो दो। अशर बाबा दो बज गए, हमने नाश्ता तक नहीं किया, उठ जाओ ना। अभी थोड़ी देर में उठ के जाके ब्रंच खा लेंगे यार। अनुशे और मुर्तजा वेट कर रहे हैं हमारा, कब से? उनकी शादी को अभी सिर्फ कोई 950 साल हैं। उनसे कहो कि रिलैक्स करें, शॉपिंग बाद में कर लेंगे, मुझे सोने दो थोड़ी देर और प्लीज। उठ रहे हो कि नहीं? अशर थोड़ी देर उठा, उन्हें ना तंग करो मुझे। दिमाग खराब है यार, ये कोई तरीका है किसी को उठाने का? पागल हो गए हो तुम, ये क्या बदतमीजी है? तुम उठ नहीं रहे थे बाबा। क्योंकि मैं सो रहा था। अच्छा यार प्लीज जाओ, प्लीज गेट आउट। कॉफी पड़ी हुई? हाँ मैं पी लूंगा। हद होती है, कब आएंगे ये लोग? तुम्हें अशर का नहीं पता? वो तो एग्जाम से 2 मिनट पहले आता था। फिर भी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी चीज का नाम है। अब तो अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया उसने, इंसान को वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अशर एंड चेंज रियली? हाँ, और अब तो उसने शादी भी कर ली है, वो भी लव मैरिज। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब लव मैरिज? I think हम दोनों की लव मैरिज ही हो रही है शायद। मुझे लव से इशू नहीं है, शादी से।
अभी से शादी से इशू शुरू हो गए। एक तो दुआ भी फोन नहीं उठा रही है। मैं कुछ कहूंगी ना बुरा लगेगा। ना ही कहो तो अच्छा है, वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मुझे तुम पे चीखना नहीं चाहिए था। देखो तुमने भी तो मुझे सुबह सुबह किस तरह उठा दिया। मैं इस तरह कोई उठाता है किसी को? अगर मैं गुस्से नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? जाने दो। से सॉरी। जाने दो। सॉरी बोलो। हमने वैसे भी ब्रांच पे जाना है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था, याद है? सिट प्लीज। प्लीज सिट। प्रीटी प्लीज। Pretty please. Say, I love Dua. I love you. Dua is the greatest wife in the world. Dua is the greatest wife in the world. She's everything. She's the best person I've ever met. Ek din bola hai. Hello. Yaar, rahat hoti hai yaar. Itni der se tum logon ko phone milane ki koshish kar raha hu, koi jawab nahi de raha. Kab se tumhara intezar kar rahe hain? Murtaza, apne dost se baat karo, uski wajah se hum late hue hain. Haan, haan, Murtaza maar. Koi zarurat nahi hai. Wahin baithe raho. Ab hum dono tumhari taraf hi aa rahe hain. अच्छा नहीं नहीं हम लोग आ रहे हैं, बस सबर करो। बहुत गुस्सा चढ़ा था उसे। अनुषय ये वाला देखो, शादी के बाद डिनर्स वगैरह पे नहीं, नो सेमी कैजुअल फॉर्मल है, इट्स नॉट बैड। अच्छा ये चेक करो, ये मेरा फेवरेट कलर। हाँ एक सेकंड चुप करो, इधर देखो। माशाल्लाह अनुषे, दुल्हन बन के इतनी हसीन लगोगी ना। प्लीज। और अगर गलती से भी अच्छी लग रही हूँ तो मुर्तजा तो कभी नहीं कहेगा। मुर्तजा बहुत बड़ा इडियट है, तुम तो इतनी लकी हो, मैं तो अपनी शादी पे तैयार भी नहीं हो सकी। तो क्या हुआ सिली, अपनी हसरतें मेरी शादी पे पूरी कर देना, फिर सब कहेंगे कि दुल्हन की दोस्त दुल्हन से भी अच्छी लग रही है। कौन कहेगा ये, तुम पागल हो गई हो। सब लोग पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मुर्तजा को ये जन्नत की हूर कहां से मिल गई। ओ प्लीज, हम में से अगर कोई हूर है तो वो तुम हो। हाँ सीरियसली, और तुम और अशर तो माशाल्लाह इतने अच्छे लगते हो ना एक साथ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा ये वाला कैसा? नहीं ये हमारी लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं या फिर टाइम वेस्ट कर रही हैं? यार मेरी शादी हो गई है और अब आपकी होने वाली है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ। औरतें जब शॉपिंग करने घुसे ना तो पूरी दुनिया भूल जाती है। द सैड ट्रूथ माय फ्रेंड। तो जिगर ये एडवाइस मुझे पहले क्यों नहीं दी? चलो लेट्स फाइंड देम। आपको दे दिए शायद। क्या हुआ? ऑफिस से फोन आ रहा था यार। बात कर लो, कुछ जरूरी बात नहीं होगी, ऐसे ही तंग करते हैं मुझे, आ जाए, रहने दे, फिजूल है। भी ट्राई करो। नहीं, कौन सी? बातचीत बहुत वाली। तुम तो गांव की लड़की लग रही हो, तुमसे पानी निकाल। क्या बुरा है? सब कुछ। तुम लोगों का कोई टेस्ट नहीं है, वेरी नाइस, आई लाइक। और वैसे भी मामा का भी नहीं है। मामा की किसको फिक्र है? हाथ से पकड़ के तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, लड़कियों को हाथ से ले जाने के लिए बहुत हिम्मत होती है, जैसे मेरे में थी और मैं उसके लिए भी गया। लड़कियों? हाँ लेकिन तुम दोनों की सिचुएशन भी कुछ और थी ना, हम तो अपनी पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर रहे हैं।
नहीं नहीं इट्स ओके, तुम्हें तो पता है अशर को बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है, उसका गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन तुम लोग शेरवानिया से लग करो, मैं उससे बात करके आती हूँ। खाना तो नहीं कहा यार, आपको टाइम है यार, तुम्हारा दोस्त है तुम संभालो, मैं क्या हर को कोई ना कोई नाम है। बेगम मुर्तजा कहाँ है? अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गया हुआ। अलीजे, आपने भी तो भाई के साथ शॉपिंग भी जाना था, आप क्यों नहीं गई? वो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में काफी एंजॉय करते हैं, तो मैं क्यों जाती? इसका मतलब ये कि भाई आपको साथ लेकर नहीं गया? नहीं, मैं वैसे भी जाना नहीं चाहती थी। मगर अलीजे बेटा, अनुषा ने तो तुम्हें कॉल की थी। तो मामा अनुषा ने किया था ना, भाई ने खुद तो नहीं किया था ना, मैं क्यों जाती? इसीलिए हमारी बेटी का मूड ऑफ है। अरे तो भूल गया होगा ना, वैसे तो तुम्हें बहुत प्यार करता है वो। मामा आप तो रहने दो प्लीज, आपने तो हमेशा भाई की साइड लेनी होती है। मैं तो हमेशा अपनी बेटी की साइड लेता हूँ, ये तो आप भी मानेंगे ना। बेटे मुर्तजा हमेशा दूसरों की मदद करके खुश होता है, वो किसी को तकलीफ नहीं देख सकता। जी बाबा। जब उससे गैरों की परेशानी नहीं देखी जाती तो अपनी बहन को कैसे नाराज कर सकता? आने तो घर, खूब डांटूंगा। हाँ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ऐसी कोई मिस्टेक ना करें। अरे तो अच्छा है ना उन लोगों को वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है, वरना शादी के बाद तो कहाँ की दोस्ती और कहाँ का फन। भाई और नोशे का साथ शॉपिंग करना अच्छा है, कल को उन दोनों ने ही पहनना है, तो अभी से खुद ही चॉइस करके ले लें तो बेहतर है। वैसे उन चारों की अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की है, मुझे तो वो दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लेते तो उनके पेरेंट्स का मसला हल हो जाता। अशोक के पेरेंट्स किसी भी सूरत दुआ को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि इवन उन्होंने तो अशोक को भी अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। सरदार सिकंदर खान को ये बात समझ ही लेनी चाहिए कि उनका बेटा दुआ को पसंद करता है और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता है, तो इसमें हर्ज क्या है? दरअसल अशर का रिश्ता बचपन में उसकी फूफीजाद के साथ तय हो चुका था, उनके खानदानी रवायात रस्म और रिवाज अपने बच्चों की खुशियों की राह में रुकावट है। बाबा इस शादी में अशर का कोई कसूर नहीं है, आयला आंटी की तबीयत काफी खराब रहती थी जिसकी वजह से वो चाहती थी कि दुआ की शादी उनकी जिंदगी में हो जाए। भाई जब बच्चे खुश हों तो माँ बाप को अपनी जिद और अनाज छोड़ देनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें सरदार सिकंदर खान को समझाना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है, वो लोग किसी भी सूरत में दुआ को कबूल नहीं करेंगे। फिर ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये तो है। अजीब हो, मुझे तुमने कहा फिल्म में गाके दो और खुद बाहर आके बैठ गई हो। चलो पकड़ो अपनी कॉफी। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्यों? अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी आंटी? अशर वो बहुत बीमार है, कि तबीयत मजीद खराब हो रही है और मुझसे छुपा रही। आओ मेरे पास इधर आके बैठो। इधर बैठ जाती हूँ। परेशान मत हो, ठीक है? देखो तुम अगर इस तरह उदास बैठी रही तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ना और खराब हो जाएगी, और उनको कल सुबह हम अपने पास ले आएंगे। वो नहीं आएंगे अशर, बहुत जिद्दी है। मुझे कह रही थी दुआ शादी कर लो, दुआ शादी कर लो। उनकी वजह से हमने जल्दी में शादी की, अब शादी हो गई है तो वो बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही है। डर लग रहा है अशर। पता नहीं वो अकेले किस तरह रहेंगी, ये कोई उम्र है उनकी, और वैसे भी she needs us now. जिद है उनकी बस।
पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे रिश्तेदार ना अब्बा की डेथ के बाद इतने बुरे हो गए थे उनके साथ, इतना बुरा रवैया कि अम्मी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई। अब वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, खास करके अपने दामाद पर तो बिल्कुल भी नहीं। उनका दामाद सिर्फ थोड़ी हूं, मैं तो उनका बेटा हूं। तुम्हें मैं उनके पास छोड़ रहा हूं? नहीं, अभी दवा खाकर सो गई है वो, मैं सुबह चली जाऊंगी खुद ही। और अशर, कल मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है तुम मेरी वजह से अपसेट हो जाते हो। तुम्हारी वजह से? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं रोज अपनी मम्मी से मिलती हूँ और तुम मेरी वजह से अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? Are you mad? दुआ, हमने डिसीजन इकट्ठे मिल के ली थी, याद है तुम्हें? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि चीजें परफेक्ट हो, अम्मी की हेल्थ अच्छी हो और हमारी शादी में तुम्हारे पेरेंट्स खुशी खुशी आए होते, आज तुम उनसे मिलते, तुम भी खुश होते, तुम भी कंप्लीट होते, तुम्हें देखकर मैं भी कंप्लीट हो जाती। दुआ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, मैं इस घर में इकट्ठे रह के तुम्हारे साथ कंप्लीट फील करता हूं। और तुम्हें पता है, अगर गलती से भी मेरी किसी और लड़की से शादी हो जाती ना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोचता रहता। Are you sure? 100%. तुम इतने अच्छे क्यों? मैं इतना बुरा भी तो हूँ भाई? बिल्कुल बुरे नहीं हो, इतने भी बुरे नहीं। सिर्फ तुम ही मुझे जानती हो। ये कुछ मजा नहीं आ रहा है। अरे मैम, आप ये देखिए, कितना खूबसूरत है, इसका डिजाइन देखिए आप, माशाल्लाह कितना अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन इसका वेट और फैलावा कुछ कम है। अच्छा, मैं आपको ये मुझे बताओ, वो मैंने तुम्हें डायमंड वाला सेट बोला था लाने के। जी जी मैडम, आप ये देखिए, जो आपने मुझे कहा था ना, ये वही है। This is beautiful. ये मेरी अनुषी पे कैसा लगेगा उसकी शादी वाले दिन? मैडम, ये सारे वही डिजाइन है जो आपने कैटलॉग में से मुंतखब किए थे। ये जो सेट मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना, ये मैं किसी भी ब्रांच में ना देखूँ आप लोगों की। अरे मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप ये डिजाइन कहीं और बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। अच्छा, वो मैट वाला जो मैंने आपको लास्ट वीक कहा था, वो लाए आप? अरे मैम, आप ये देखिए, इसकी डिजाइनिंग देखिए आप, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, ये देखिए। नहीं, ये वो वाला नहीं है मैंने जो आपको लास्ट वीक बोला था। अब वो मैम, सॉरी, वो तो मैं दरअसल लाना भूल गया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ख्याल रखूंगा। मुझे अब्दुल्ला साहब को कॉल करनी ही पड़ेगी। हाय मामा, अब आप किसको डांट रही हैं? हाय बेटा, सही टाइम पे आ गए तुम। ये लोग क्या बताऊं मैं तुमको। अच्छा, ये देखो, तुम्हारी शादी के लिए। हाँ, लेकिन ये ज्यादा हैवी नहीं है? अरे बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं ये चाहूंगी कि दुनिया देखे कि मैं अपनी बेटी को क्या क्या दे रही हूँ शादी पे। आई नो मामा, लेकिन हमारे पास पहले से भी तो इतनी ज्यादा ज्वेलरी है। बेटा, वो तो तुम्हारे दादू और मेरी तरफ की है ना, मैं चाह रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा सा और खास सेट चूज करो। व्हाटएवर यू वांट, बस प्लीज देखिएगा कि ज्यादा हैवी ना हो जाए और उस दिन मैं आसानी से कैरी कर लूँ। वैसे भी मुझे सारा दिखावा नहीं अच्छा लगता मामा। तभी तो कहती हूँ कि अपनी क्लास के लोगों के साथ दोस्ती किया करो। एक तो दुआ ने मुझे नहीं पता तुम पे क्या जादू कर दिया है, बस उसी की बोली बोलती हो तुम। अच्छा खैर, आप वो वाली डायमंड रिंग दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ जी जी, क्यों नहीं, ये देखिए आप कितनी खूबसूरत है, ये देखिए इसका डिजाइन, वेरी नाइस। मामा,
मैं सोच रही थी कि दुआ के लिए ले लूं। अनुषय, अभी तुमने उसको लास्ट वीक ही एक डायमंड का नेकलेस का सेट दिया है, क्या जरूरत है उसको इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देने की? वो तो तुम्हें हमेशा ब्लैकमेल ही करती रहती है। हाँ मामा, लेकिन ये मेरी शादी का गिफ्ट होगा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हमेशा वो तुम्हें लूट ही रही है, लूट रही है वो लड़की तुमको। कितने बार बोला है मैंने तुमको? मामा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी शादी हो रही है, मैंने उसको गिफ्ट तो देना ही है। अनुषे, डू व्हाटएवर यू वांट टू बेटा, तुम मेरी बात तो सुनोगी नहीं। मामा, मैं ये रिंग दुआ के लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स दैट। डू व्हाटएवर यू वांट। सुने आप प्लीज, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी अगर मुझे चाहिए होगी कोई चीज। ले जाए आप इसको। अम्मी 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 मेरी प्यारी अम्मी अम्मी, क्या कर रही हो पागल? मार डालोगी मुझे प्यार कर करके? देखे आप आए दिन अपने आप को बीमार क्यों कर लेती हैं? हाँ, और ये मरने वरने की जो बातें हैं ना, ये मेरे साथ ना क्या करें? अच्छा मेरी माँ नहीं करूँगी। गुड गर्ल, अपने बारे में पॉजिटिव सोचा करें, खुश रहा करें। चलो चाय पियो। अच्छा कैसे? उसने कैसे होना? अगर नवाब साहब की आंख खुल गई तो वो उठेंगे और फिर टाइम वेस्ट करने के लिए मुर्तजा के घर चले जाएंगे। दुआ, ये बात ठीक नहीं है। बेटा अपनी गुफ्तगू में थोड़ी नरमी, थोड़ा लिहाज, थोड़ा एहतराम लेकर आओ। बीवी का फर्ज है कि वो शौहर की इज्जत करे और शौहर का भी फर्ज है कि बीवी की इज्जत करे। मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मैं आपके दामाद की इज्जत करूंगी ना, अगर उसकी जौजा बन जाऊंगी, एहतराम से उससे बात करूंगी, तो वो माइंड कर जाएगा। क्या मतलब है? एक तो तुम लोग की जनरेशन की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, पता नहीं किस किस्म की बातें करते हो। एक बात बताओ, तुमने अशर से बात की उसके गांव वाले घर जाने की? दुआ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है बेटा, ये बहुत जरूरी है। अम्मी, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लोग हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। उनकी ना बहुत टिपिकल जागीरदारों वाली सोच है, वो अपनी रवायात के गुलाम है ना। माँ बाप कैसे भी हो ना, अल्लाह ताला ने उनके दिल बहुत नरम बनाए होते हैं। तुम अशर को समझो और प्यार से समझाना, लड़कर नहीं। उसे समझाओ कि वो गांव जाए, अपने माँ बाप से मिले, उनसे माफी मांगे, अगर जरूरत पड़े तो उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगे। मेरा दिल कहता है कि वो उसे माफ कर देगा। सब कुछ कर चुका, अशर को माफ करके मैं बाकी खानदान को नाराज नहीं कर सकती। अशर बेचारा तो मेरी ख्वाहिश का एहतराम करने में फंस गए। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मरने से पहले मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए। अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज टेंशन मत लेना। कैसे ना लूं टेंशन, एक बेटी हो तुम मेरी, मैंने जिस तरह तुम्हें पाला है, जिस तरह तुम्हारी परवरिश की है, सिर्फ मेरा दिल जान, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा दुआ? अशर है ना,
यही तो इत्मीनान है कि तुम अपने घर में खुश हो। लेकिन बेटा, शादी के बाद औरत अपने ससुराल में महफूज होती है, वो वहां पर मजबूत होती है। मेरा दिल बहुत डरता है, मेरा दिल बहुत डरता है कि मैं तुम्हें कमजोर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। ना, अमीन है। प्लीज हमारे साथ चलें। देखिए, आपकी जब तबीयत बेहतर होगी मैं आपको खुद वापस इधर ले आऊंगा। अशर, तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो बेटा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये दुआ की बातों में मत जाना, जरा जरा सी बात के ऊपर ना जज्बाती हो जाती है। जी, लेकिन इस वक्त आपको अपनी बेटी की जरूरत है और वो आपकी बेटी का घर है। आप प्लीज आ जाना हमारे साथ। यही तो मुश्किल है कि वो मेरी बेटी का घर है। तुम्हें पता है अशर, दुआ के वालिद के इंतकाल के बाद मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पाला है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी किसी रिश्तेदार से मदद नहीं मांगी। मैं कोई गैर थोड़ी हूं, मैं आपका बेटा हूं और वो भी आप ही का घर है। अब तो मुझे और भी शर्मिंदा कर रहे हो। वैसे ही मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज हो गए हैं। अब चलो, दुआ तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैं तुम्हारे घर आकर रहूंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे, दुनिया वालों की बातें वैसे कौन सुनता है, उनको तो बातें करने का शौक है। और जहां रही बात मेरे खानदान की, चाचा सही ने कहा है कि वो बाबा सिंह से बात कर लेंगे। अल्लाह करे कि वो उनको मना ले। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब राजी खुशी हो जाए। ठीक है, इट्स डिसाइडेड देन, आप हमारे साथ आ रही। अच्छा, चाय तो पी लो। जी बिल्कुल। आंटी कहाँ? वो नीचे कोई पुरानी फिल्म देख रही हैं। अब्बा की याद आ रही है उन्हें। हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना अशर, तो हम भी अपने जमाने की साथ बैठ के फिल्में देखेंगे। हाँ, wouldn't that be cute? अच्छा सुनो, एक बात करनी है तुमसे, मानोगे? बोलो। वो मुझे मुर्तजा अनुशे की शादी पे अनुशे जैसा जोड़ा चाहिए, दुल्हनों वाला। Are you mad? फिर से दुल्हन बनने के इरादे हैं क्या आपके? मैं कहाँ दुल्हन बनी थी, इतने सादे से कपड़े थे, निकाह का जोड़ा बस। मेरा भी दिल चाह रहा है, करने दो। अच्छा, और ये जो शादी के बाद आपको फकत सिर्फ 9,280 करोड़ कपड़े लेके दिए, उनका क्या बनेगा बेगम? ठीक है साहब, नहीं लेके देना जोड़ा तो मत लेके दो, ताने देने की जरूरत नहीं है, कोई पुराना सूट पहन लूंगी मैं। ताने नहीं दे रहा था, जेब भी तो देखनी पड़ती है, अगर मेरा बैंक अकाउंट खाली हुआ तो फिर? तो बाबा ऑफिस जाओगे तो बैंक अकाउंट में कुछ आएगा ना, हमें भी यही कह रही थी। काफी देर हो गई, मैं नहीं गया काम पे। आई एम फीलिंग बैड यू नो। तुमने क्या कहा अपनी अम्मी को? यही कि उठेगा तो ऑफिस जाएगा ना। तो मैं अम्मी का नाम ले जाएगी ना, शिकायती टट्टू। मैं सच ही कहना ना, मैंने अपनी माँ से, मुझे तंग मत करो। क्या टाइम हुआ है सर? 11:30, अभी कोई वक्त है सोने का यार? मेरी जो माँ है ना, मुझे सुबह सुबह उठा देती है। तुम तो मजे से सोते रहोगे, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मैं सोने लगी। तुमने कौन सी सुबह सुबह जाके बाहर से अंडे लेके आने हैं अंदर? अच्छा प्लीज लाइट ऑफ कर दो। उठो, पानी पिला दो। हाँ मैं पिलाता हूँ तुम्हें पानी, जानी। सोने दो प्लीज। तो उठ जाओ। सोने दो ना। तो उठ जाओ। तो
मुझे हार्ट अटैक होने वाला था। क्रेजी, पागल तो नहीं हो गए तुम? किसने कहा था तुम्हें? हाँ, किसने कहा था मेरे साथ पंगे लेने को? मैंने तुम्हें कहा था ना सो। क्या बचपना है इन दोनों में? कोई भरा यूं भी मियां मियां लड़ते हैं या बात करते हैं? तौबा, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। ये टेंट के अंदर आओ। I love you.